हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ट्रिपल डिलाइट्स। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर एक सूखी सी मजेदार सी सब्जी बनाएंगे, वो भी कुंदरू आलू की, और इतनी टेस्टी और इतनी अलग तरह से थोड़ा सा बनाएंगे ताकि जिन लोगों को अभी तक कुंदरू, जो लोग नहीं भी पसंद करते हैं, नॉर्मली लोग मना कर देते हैं कि कुंदरू नहीं अच्छे लगते हैं, पर जब आप इस तरह से सब्जी ट्राई करेंगे जैसे आज मैं बनाने जा रही हूँ, तो डेफिनेटली सभी लोगों को बेहद पसंद आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुंदरू आलू की सूखी सब्जी बनाना। तो यहाँ पे जो कुंदरू आलू की सब्जी मैं बनाने जा रहे हैं, उसके लिए कुंदरू को मैंने इस तरह से देखिए गोल गोल शेप में काट के रखा है। आप लंबे शेप में भी काट के रख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा ऑयल गरम करेंगे, उसमें लहसुन डालेंगे हम, साथ ही साथ ये जीरा इसमें ऐड करेंगे और थोड़ा सा इसमें हींग डालेंगे और पहले लहसुन का एक सेकेंड के लिए थोड़ा सा इस तरह से भून लेंगे हम। और उसके बाद में जो कुंदरू हमने काट के रखे हुए हैं ये हम इसमें ऐड करेंगे। देखिए सारे कुंदरू इसमें डाल दिए। तो अभी हमें क्या करना है, पहले कम से कम 5-6 मिनट कुंदरू को इसी तरह से हम थोड़ा सा इसमें भूनेंगे, उसके बाद में हम इसमें आलू ऐड करेंगे। और 5-6 मिनट कुंदरू को भूनने के बाद में इसमें आलू ऐड करेंगे हम। और आलू को इसी तरह से 2 मिनट के लिए पहले ओपन करके कुंदरू के साथ में हम थोड़ा सा भूनेंगे और साथ ही साथ मसाले भी हम ऐड कर देंगे। तो थोड़ी सी हल्दी इसमें डालेंगे, साथ ही साथ 1 चम्मच के करीब धनिया पाउडर, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से ही हमें रखना है और थोड़ी सी इसमें किसी लाल मिर्च। और अब इसी तरह से इसको मिक्स करेंगे। बहुत ही बढ़िया सी सब्जी बन के रेडी हो गई है, बहुत अच्छी लगती है टेस्ट में। तो जिन लोगों को कुंदरू, नॉर्मली लोग बोलते हैं कि कुंदरू नहीं पसंद है, वो भी जब इसे ट्राई करेंगे, इस तरह से बनाएंगे, तो उनको भी बहुत टेस्टी लगेगी है। तो अब यहाँ पे हमें गैस बिल्कुल स्लो कर देंगे हम और इसे हम कवर कर देंगे और 5 मिनट बाद हम इसे चेक करेंगे। और अब वापस हम इसे ओपन कर रहे हैं और इस तरह से मैंने बीच में 5 मिनट के बाद इसको एक बार चेक किया था और स्टिर करके वापस से 2-3 मिनट के लिए कवर किया है। और अब ये कुंदरू और आलू बिल्कुल बढ़िया पक गए हैं, क्योंकि कुंदरू को हमने थोड़ा सा फ्राई किया था, इस वजह से थोड़ा सा जल्दी पक गए और टेस्ट भी बिल्कुल अलग सा बढ़िया सा टेस्ट आ जाता है इसका। तो फाइनली गैस को हम बिल्कुल हाई कर देंगे, हाई फ्लेम में, बस 2 मिनट के लिए इसे थोड़ा सा हम भून लेंगे ताकि जो हमने इसे कवर किया है उसकी वजह से अगर थोड़ा बहुत मॉइस्चर होगा तो सारा ठीक हो जाएगा और बिल्कुल सूखी सी सब्जी बन के एकदम रेडी हो जाएगी। वैसे भी देखिए एकदम बिल्कुल बढ़िया भुनी हुई सब्जी लग रही है। तो बस हाई फ्लेम पे 2 मिनट के लिए इसे थोड़ा सा और पकाएंगे हम। और बिल्कुल बढ़िया कुंदरू आलू की सब्जी बनके रेडी हुई है। आप लोग फ्रेंड्स इसे जरूर ट्राई करें ताकि जो लोग कुंदरू अभी तक नहीं, जिन लोगों को पसंद आते हैं, तो एक बार आप इस तरह से बनाएंगे तो सभी लोगों को बहुत टेस्टी लगेगी ये सब्जी। तो चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। और ये देखिए कितनी बढ़िया सूखी सी कुंदरू आलू की सब्जी बनके रेडी हुई है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें और हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। और जाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल ट्रिपल डिलाइट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज फ्रेंड्स उसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।